हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम टू फूड फैक्टर। दोस्तों, आप खूबसूरत दिखने के लिए क्या क्या नहीं करते? डिफरेंट डिफरेंट लोशंस अप्लाई करते हैं, क्रीम्स अप्लाई करते हैं, ट्रीटमेंट्स कराते हैं और यहां तक कि ब्यूटी पार्लर भी जाते हैं। पर कभी आपने ट्राई की फूड थेरेपी? सोच में पड़ गई ना कि आखिर ये फूड थेरेपी है क्या? चलिए यही जानते हैं आज हम हमारे फूड फैक्टर के इस एपिसोड में एंड वेलकम करते हैं हमारे एक्सपर्ट एंजेला का। हेलो एंजेला। हेलो डॉक्टर दिव्या। एंजेला, सबसे पहले सवाल तो ये रहेगा कि ये फूड थेरेपी फॉर ब्यूटी व्हाट इट इज? जी, जैसा हम सब जानते हैं कि वी आर व्हाट वी ईट, जो हम है वो हमारे खाने की वजह से है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स जीन्स के थ्रू हमें अच्छी स्किन मिल सकती है, लेकिन जो हम खाते हैं दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस। सो इनर ब्यूटी और जो हम कहते हैं कम्स फ्रॉम व्हाट वी ईट। दैट इज़ व्हाई फूड प्लेज सच एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हाउ ब्यूटिफुल वी आर, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम द आउटसाइड बट ऑल्सो रिमेंबर फ्रॉम द इनसाइड। सो फूड प्लेज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर। आपने मुझे बताया कि फूड इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है हमें ब्यूटीफुल दिखाने के लिए, तो चलिए अपनी जनता से पूछते हैं कि वो क्या सोचती है इसके बारे में। Absolutely. So let's see. I take vegetable juices in the morning. I take honey with lime first as soon as I get up in the morning. 2 glasses. I drink a lot of hot water the whole day. Then for breakfast I take vegetable juice and sprouts. Then for lunch and dinner we take multigrain rotis with a lot of salads and vegetable juice throughout. And we just eat healthy food and no junk food most of the time. सुंदर त्वचा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका फल एंड जूस। एक्चुअली ब्यूटीफुल रहने के लिए हमें रोज़ पानी ज़्यादा पीना चाहिए और योगा करना चाहिए और अपने हेल्थ खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए। योर स्किन डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर मेंटल लेवल, फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू वर्क। वी डू लॉट ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड लॉट ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड ब्रीदिंग टेक्निक्स, व्हाट यू कॉल प्राणायाम्स एंड ऑल दैट वी डू फॉर आवर नॉर्मल हेल्दी बींग। मैं अपने सुंदरता को बचाए रखने के लिए सुबह एक्सरसाइज करती हूँ एंड फल लेती हूँ, जूस और दूध और प्रोटीन्स की जो चीज़ें आती हैं मैक्सिमम उसको यूज़ करती हूँ ताकि हम अच्छी तरह रह सके। और ये जो प्रदूषित वातावरण है उसके लिए भी हर चीज़ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे जो जनता है वो भी जानती है कि फूड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उन्होंने कुछ सजेशंस भी दी जी। तो अब मैं चाहूंगी, बीइंग एन एक्सपर्ट, यू सजेस्ट अस कि व्हिच काइंड ऑफ फूड इज गुड फॉर योर स्किन। ऑन द होल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि एक तो वो भरा हुआ है विटामिन एंड मिनरल्स से, एंड विटामिन एंड मिनरल्स जो है दे कॉन्ट्रीब्यूट डायरेक्टली टू गुड हेल्दी ग्लोइंग स्किन। ओके, बिसाइड्स दैट जितना हम अनरिफाइंड फूड्स खाएं उससे भी हमें काफ़ी बेनिफिट्स मिलती है, जैसे कि होल व्हीट फ्लावर, उसमें काफ़ी हद तक विटामिन ई ज़्यादा मात्रा में होती है। ओके, नाउ बिसाइड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वाटर, पानी आप ज़्यादा मात्रा में पिए, क्योंकि उससे जो टॉक्सिन्स हो जाते हैं हमारे शरीर में वो फ्लश आउट हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में और फेस में एक अच्छी ग्लो आ जाती है। सो डेफिनेटली अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड अदर हेल्दी फूड्स। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि प्लीज़ डू नॉट कट आउट फैट या तेल, जिसे हम कहते हैं डू नॉट कट आउट, क्योंकि उससे हमारी स्किन ड्राई और स्केली लगेगी। सो इंक्लूड अ सर्टन मिनिमल अमाउंट ऑफ फूड जो हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, एंड ऑफकोर्स जो नेचुरल फूड्स में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फैट होती है उससे भी आप जरूर खाना चाहिए हमें। अगर आप ज्यादा तेल खा रहे हैं या आप कुछ भी कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं मॉडरेट की जगह, तो दैट पुट ऑन वेट जी। और एक यूजुअली कहा जाता है कि अगर इंसान मोटा है या वो बहुत ज्यादा हेल्दी है तो वो एज में बड़ा लगने लग जाता है जी। एब्सोल्युटली, दिस इज जो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन या रेडिकल्स, इसे हम एट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपका वजन बढ़ता रहता है मतलब आपके बॉडी में ज्यादा फ्री रेडिकल्स हैं, और वो फ्री रेडिकल्स आपके स्किन को डिस्ट्रॉय करते हैं। आप योर स्किन स्टार्ट्स लुकिंग ओल्डर देन व्हाट द रियल ट्रू एज इज।
तो जितना ज़्यादा आप वज़न कम कर सकते हैं, वो फ्री रेडिकल डैमेज जो करता है या ऑक्सीडेशन होता है, वो अपने आप कम हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट लुकिंग योर ट्रू एज. जैसे कि हमने देखा है, काफ़ी लोग जब वज़न घटाते हैं, दे लुक 10 ईयर्स यंगर, इवन यंगर देन व्हाट देयर ट्रू एज इज. यस, सो गो अहेड एंड डू दैट. जी, बट व्हेन द क्वेश्चन कम्स अबाउट एंटी एजिंग, कि आप किस तरह से एंटी एज कर सकते हैं अपनी एज को, बाय फूड. जी, इसके लिए भी हम एंटीऑक्सीडेंट फूड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड द फूड्स दैट आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट व्हिच विल गिव यू दैट हेल्दी यंग यू लुक, दोज आर ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, बेरीज, देन ऑल द सिट्रस फ्रूट्स, जो जैसे कि मौसम्बी है या वाटरमेलन है, ये फ्रूट्स, एब्सोल्युटली पाइन एप्पल्स, ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज़्यादा है. लेकिन इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूँगी कि ट्राई एंड हैव द होल फ्रूट. अगर आप जूस के हिसाब से लें तो उसमें वो एंटीऑक्सीडेंट्स की लेवल कम हो जाती है, क्योंकि हम ब्लेंडराइज करते हैं, उसमें फाइबर भी कम हो जाती है. सो हैविंग द होल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पेशली द येलो एंड द डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है. ट्राई एंड हैव देम इन एज होल फॉर्म, जैसे कि अगर आप सब यस रॉ फॉर्म, या तो स्टीम्ड या तो कुक्ड फॉर्म, बट विदाउट मैशिंग इट. जो पाव भाजी मत बनाइए सब्जियों की, कीप वेजिटेबल्स को बड़ा ही रखे, तो उससे ज्यादा नरिशमेंट हमें मिल सकता है. ये बात हो गई. जब हम सैलड्स की बात करते हैं, तो नॉर्मली नाउअडेज इट्स अ ट्रेंड गोइंग ऑन कि आप सैलड खाओ, बट विद द ड्रेसिंग. जी, या सो विद इन द ड्रेसिंग्स यू कैन यूज अ हेल्दी ऑप्शन. अगर हो सके तो मेयोनीज मत खाइए, क्योंकि मेयोनीज बनाने में काफ़ी एग योक्स जाते हैं, काफ़ी बटर जाता है. उसके बजाय आप थोड़ी लेमन या विनेग्रेट की ड्रेसिंग डाल दें तो दैट विल बी ग्रेट. जैसे कि आपने पहले कहा था, तुलसी ड्रेसिंग, मिंट ड्रेसिंग इज़ वेरी फेमस. और समटाइम्स अगर आप बाहर खाएं तो हमस, एक चिक पीस जो हम पीज है उसकी एक ड्रेसिंग आती है, वो भी आप अगर आप खाएंगे, सो इट बिकम्स ईजियर टू हैव सैलड. नहीं तो अगर कोई कहे कि ये रॉ फूड्स खाए, सबको पचता नहीं है. इसीलिए अगर आप एक ड्रेसिंग के साथ वो दे दें तो बिल्कुल आपको वो नरिशमेंट भी मिल जाएगी एंड यू आर फिलिंग योर सेल्फ विथ फाइबर. सो इट्स जस्ट अ विन विन सिचुएशन. That's right too. You get the taste also. जी, उसका flavor. Even the tongue or taste is very important for absolutely, you. Absolutely, absolutely. अगर वैसा होता कि हम सिर्फ सब्जियाँ और फल जो है बाहर से खाएं, then we would all be animals. We yes. are human beings because we have that acquired taste. जी, and cooking is a very important part of our culture. जो भी फंक्शंस में हम जाते हैं, फूड तो रहता ही है. सो मेक द बेस्ट ऑफ कुकिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन द ह्यूमन रेस. जब हम कुकिंग की बात कर रहे हैं, यू सेड दैट बॉइलिंग इज गुड, ग्रिलिंग इज गुड, एंड यू कैन हैव दिस विद द रॉ फूड, में आप ड्रेसिंग के साथ खा सकते हैं. अदर देन दैट, व्हाट यू वुड लाइक टू सजेस्ट आवर व्यूअर्स, कि वो और क्या खाएं? जैसे कि मैंने कहा, रॉ फूड्स सब लोगों को पचता नहीं है. सो इफ़ यू वांट टू हैव अ रॉ फूड्स इन अ स्लाइटली कुक्ड फॉर्म, देन स्टीमिंग या ब्रॉयलिंग जिसे हम कहते हैं, या बेकिंग और ब्लांचिंग ऑफ वेजिटेबल्स. ब्लांचिंग मींस फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम आप उसे गर्म पानी में डाल के निकाल दें, तो उसमें से विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिटेन हो जाते हैं, वो मर नहीं जाते हैं वो हीट की वजह से, एंड यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स क्लोजेस्ट टू द रॉ फॉर्म. सो यूज़ दीज methods kind of cooking methods. absolutely. तो इस तरीके के methods को हमें काफी ज़्यादा prevalence देनी, मतलब उसे ज़्यादा use करना चाहिए. few changes. yes. okay. जब हम rice की बात करें, आपने थोड़ी देर पहले बोला कि rice को हमें boil करके खा सकते हैं, but again rice जो है या potatoes है, में starch content बहुत ज़्यादा होता है. जी. तो this kind of starch content affects your skin tone? No, in fact, carbohydrates definitely add up to your overall glow factor. So, please, आप carbohydrates, which means chapatis, breads, vegetables, fruits, वो आप अपने diet से नहीं निकालें. लेकिन yeah, the only thing carbohydrates, अगर आप starchy foods खाएं, जैसे कि rice या potato, उससे आपको थोड़ी नींद ज़रूर आएगी अगर आप एक कॉलेज के लेक्चर हॉल में बैठे हैं. That's the only thing, क्योंकि because of serotonin, एक ऐसी हार्मोन है जिससे आपको थोड़ी नींद जैसी feeling होगी, but besides that it is a very plus factor to look beautiful. So please आप carbohydrates को maintain करें diet में. अब ये एक और factor आ जाता है कि recently I was going through an American website which states that कि अगर आपको अपनी skin को beautiful रखना है और आपको अपने जो age है उसको कम रखना है, तो आपको जो wheat है, यानी जो गेहूं की जो रोटी है, completely avoid करनी चाहिए. You have to avoid pastas, you have to avoid, you know, all kind of thing. But yes, you can have rice.
No, it's a contradictory thing, you know, because normally we say that you need to have starch. Absolutely. Or you need to have carbohydrate. Energy. ये जो आपने पढ़ा है उसे हम फैट डाइट्स कहते हैं विच बेसिकली मीन्स एक या दो कंपोनेंट्स को लोग हटा के एक दो महीने के लिए वैसा डाइट कर लेते हैं फ्यू चेंजेस दिखाई देती हैं लेकिन यू कांट फॉलो दिस डाइट फॉर लाइफ अगर मैं आपको कहूँ कि समथिंग दैट यू लव लाइक राइस अगर आप ज़िंदगी भर दे दें वेरी फ्यू पीपल विल हैव द विल पावर अगर वो विल पावर नहीं रही और आपने वापस राइस खाना चालू कर दिया देन द बॉडी गोज बैक टू बीइंग सैगी एंड लुकिंग फुलर एंड थिंग्स लाइक दैट सो फैट डाइट्स को के ये जाल में हम नहीं फंसेंगे तो अच्छा है एज आई मेंशन्ड अर्लियर मेंटेन अ बैलेंस डाइट अगर हो सके तो कुछ दिन आप राइस नहीं खाएं रात को या दिन को वो ठीक है बट कम्प्लीटली एलिमिनेटिंग इज नॉट अ गुड ऑप्शन स्पेशली अगर आपको वो खाना पसंद हो पसंद की बात ओके दैट आई बाय योर पॉइंट की थी कि अगर आपको कुछ पसंद है तो आप उसे छोड़ नहीं सकते बट कम जरूर जी, कर सकते जी. अब एक और फैक्टर आ जाता है जब हम ब्यूटी की बात कर रहे हैं तो पीपल आर वेरी कॉन्शियस आज की डेट में वो क्या करते हैं डे क्रीम लगा के घर से बाहर निकलते हैं नाइट क्रीम्स लगाते हैं तो खाने का भी कुछ ऐसा पैटर्न होना चाहिए जी खाने का ज़रूर पैटर्न होना चाहिए अगर आप दिन में 3 to 4 सर्विंग्स सर्विंग्स वुड बी लाइक अ स्मॉल सैलड प्लेट वैसे 3 to 4 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले तो आपके दिन का डोज काफ़ी हो जाता है एंड इफ़ यू कंटिन्यू दैट देन डेफिनेटली विद इन अ मंथ ये मैं आपको गारंटी दे दूंगी कि आपके जो अगर पिम्पल्स के प्रॉब्लम हो या हीट बॉयल्स के प्रॉब्लम हो वो निकल के अ हेल्दी ग्लो आ जाएंगे प्रोवाइडेड देयर इज नो इंटरफेरेंस विद हार्मोनल चेंजेस जो कुछ लोगों को तकलीफ होती है वो अगर ये इंटरफियरिंग फैक्टर्स ना हो तो दिस इज अ ब्यूटी गारंटी तो आर एक्सपर्ट हैज एक्चुअली गिवन यू अ गारंटी कि अगर आप 3 to 4 सर्विंग्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ले रहे हैं डेली डाइट में तो आप ब्यूटीफुल लग सकते हैं और आपके चेहरे पे एक नई निखार आ सकती है एंजेला एक और चीज़ हो गई हमने बात कर ली कि आपको सर्विंग्स लेनी है 3 to 4 बार लेनी है आपने ऐसा खाना खाना चाहिए अब नाउ इज देयर एनी स्पेसिफिक थिंग्स लाइक वी यू मेंशनड अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग वेजिटेबल्स अच्छी हैं फ्रूट्स अच्छे हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एडप्ट करनी चाहिए जी जैसे मैंने पहले कहा था होल व्हीट मतलब अखे आटे की रोटी अगर आप खाएं जी उसमें से विटामिन ई रिच फूड्स जो है वो हमें मिल सकते हैं प्रोटीन रिच फूड्स जैसे कि दाल हो गए या फिश हो गए या वाइट्स ऑफ द एग्स वो हो गए तो उससे भी एडिशनल ग्लो आ जाते हैं जैसे कि मैंने कहा उससे कोलेजन हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल जो फाइबर रहता है वो मेंटेन हम कर सकते हैं लेकिन जैसे कि मैंने कहा फूड एंड एक्सरसाइज गो हैंड इन हैंड तो खाने के साथ एक्सरसाइज भी अगर आप करेंगे तो उससे जो बॉडी के टॉक्सिन्स है वो फ्लश हो जाएंगे एंड कीप ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स अ डे ओके जब हम स्किन की बात करें या ब्यूटी की बात करें इट इज़ नॉट सीमित अप टू ओनली स्किन जी करेक्ट अब ब्यूटी का एस्पेक्ट आ जाता है आपके बालों के साथ में आपके नेल्स के साथ में योर आईज नीड टू लुक चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल एब्सोल्युटली सो आप इसके बारे में कुछ सजेस्ट कीजिए ये भी ओवरऑल जैसे मैंने कहा जो मैंने खाने के टिप्स दिए थे ये एप्लीकेबल है फॉर हेल्दी ग्लोइंग हेयर फॉर हेल्दी ग्लिंट इन योर आईज फॉर हेल्दी लुकिंग स्किन और ड्राई स्केली स्किन ना हो इसके लिए आप ज़्यादा प्रोटीन खाएं दैट मीन्स जो वेजिटेरियंस है वो सोया की मात्रा ज़्यादा ले दाल की मात्रा ज़्यादा ले नट्स की मात्रा मॉडरेशन में अगेन फॉर द कैल्शियम फॉर योर नेल्स यू हैव टू हैव फूड्स रिच इन कैल्शियम तो आप रागी या नाचनी जिसे हम कहते हैं वो ज़्यादा मात्रा में ले तो कभी रागी और सोया फ्लावर की मिक्स रोटी आप खा सकते हैं या मिस्सी की रोटी ये जो वैरायटी है हमारे इंडियन डाइट्स में वो ज़्यादा ले टू गिव अ ओवरऑल ब्यूटिफुल यू थैंक यू वेरी मच एंजेला कि आपने हमें हमारे साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की थैंक यू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़